नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में एक और अच्छी खबर भी आ जाई। अच्छी खबर ये है कि अब जो लोग पीटी परीक्षा पास कर जाएंगे उन्हें 1 लाख रुपया दिया जाएगा सरकार की ओर से। सरकार के साइट पर, यानी कि झारखंड सरकार के साइट पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा क्या जेपीएससी पीटी पास करेंगे तो मिलेगा? जी नहीं, अगर आप यूपीएससी की पीटी पास कर जाते हैं तो आपको 1 लाख रुपया सरकार देगी। ऐसे में ये जो सरकार की योजना है ये सिर्फ एससी एसटी के छात्र छात्राओं के लिए निकाली गई है। 31 दिसंबर तक आप इस वेब पोर्टल पर, जो झारखंड सरकार का साइट है, उस पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। 1 लाख रुपया दिया जा रहा है, इसके लिए पीटी पास करना जरूरी है। और सरकार ने कहा है कि अगर पीटी पास कर जाएंगे तो फिर मेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए उन्हें यह पैसा दे जाएंगे। सरकार को जिन लोगों ने भी ये सजेशन दिया होगा वो सचिव स्तर के पदाधिकारी होंगे और वो आईएएस होंगे। आईएएस ऑफिसर को समझना चाहिए कि यूपीएससी का पीटी पास करने के लिए मेंस की तैयारी जरूरी हो जाती है। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का पीटी में भी मेंस से संबंधित बहुत से सवाल पूछ दिए जाते हैं जिससे सिर्फ पीटी में पास करने वाले फेल हो सकते हैं, यानी कि आगे चल करके उनको दिक्कत हो सकती है। ऐसे में उनको ये तो सही सलाह देनी चाहिए थी कि यूपीएससी की तैयारी जो लोग शुरू कर रहे हैं उनको पहले मेंस की करनी चाहिए, न कि पहले पीटी की। अब सोचिए, जब सरकार ही इस प्रकार की योजना लाएगी तो स्टूडेंट का क्या होगा? स्टूडेंट पहले अपने से तैयारी करें, यानी कि पहले वो मेंस की तैयारी कर लें, फिर वो पीटी पास करते हैं तब उनको दिया जाएगा। और यूपीएससी का पीटी कोई करिश्मा नहीं होता है कि अगर आप तुक्का लगा के आ जाए या हल्का फुल्का पढ़ाई करके चले जाए तो आपका पीटी हो जाएगा। ये सारी चीजें सरकार की कई साल की योजना पर पानी फेर देती है। गवर्नमेंट योजना बनाती है, तुरंत प्रकाशित कर देती है, मीडिया में बयान दे देती है, लेकिन सच्चाई कुछ और होता है। एक बार इसी प्रकार की योजना पहले भी लाई गई थी, उसमें भी ये दावा किया गया था कि जो लोग जेपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको सरकार की ओर से मदद दिया जाएगा। कितना मदद दिया जाएगा और कब दिया जाएगा ये कोई नहीं बता पाता है। यही कारण है कि स्टूडेंट की परेशानी बढ़ी जाती है। चलिए, ये तो हुआ कि यूपीएससी का अगर पीटी आप सारे लोग पास कर जाते हैं तो एससी एसटी और अन्य कैंडिडेट को सरकार चाहे तो 1 लाख रुपया उन्होंने कहा है कि वो देगी। किसको किसको मिलता है ये देखना पड़ेगा। घर में बैठ करके अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो विनय आईएएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। जेपीएससी रिजल्ट को लेकर जो लोग बहुत टेंशन में हैं इस वक्त में, उन्हें हमने कल शाम के शो में बताया था कि अभी जेपीएससी में कुछ चीजों पर सुधार हो रहा है और जो गलतियां किया गया है इन विजिलेटर की ओर से, जो गलती किया गया है स्टूडेंट की ओर से और जो बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स की ओर से लाया गया है ईमेल के माध्यम से जो बताया गया है उसे लेकर जेपीएससी सुधार कर रही है। खबर ये आ रही है कि रिजल्ट में जो 2-3 दिनों की देरी हो रही है एक्स्ट्रा, उसका यही कारण है। और इसलिए अब स्टूडेंट जिनकी जिनकी गलती हो गई थी उनको भी अब आशा जगा है कि इस बार उनका रिजल्ट पक्का तौर पर आ जाएगा। आपको पता होगा कि झारखंड में रिजल्ट की संभावना 15 अक्टूबर से चल रही है। प्रतिदिन ये उम्मीद किया जाता है कि रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट आ ही नहीं पाता है। ऐसे में स्टूडेंट का टेंशन बढ़ जाता है। 31 अक्टूबर तक नियमावली सुधार अब नहीं हो पाएगा, ये तय हो गया। 31 अक्टूबर के बाद होगा और संभवतः अब ये 7-8 नवंबर के बाद होगा और 15 नवंबर को सरकार की ओर से कुछ लोगों को नियुक्ति चिट्ठी दी जाएगी, जिसमें नंबर 1 पर आता है 11 गैर अनुसूचित जिले के वो स्कूल टीचर जो बहुत दिनों से नियुक्ति प्रक्रिया की आस में बैठे हुए थे। सरकार ने तय किया है कि सबसे पहले इन सारे लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो इस बार देखना पड़ेगा कि किनको किनको नियुक्ति पत्र मिल जाता है। स्पोर्ट्स कोटे वाले को पहले से मिल ही रहा है। इसके अलावा पंचायत सचिव और लिपिकीय अभ्यर्थी भी इंतजार में खड़े हैं कि उनका रिजल्ट भी निकल जाए और उनको नियुक्ति पत्र मिल जाए। सरकार
13-14 रिजल्ट में से कौन कौन सा रिजल्ट 15 नवंबर को लाने पर विचार कर सकती है, जिसमें प्रमुख रूप से पंचायत सचिव वाला मामला है, इसके अलावा एक्साइज वाला मामला है, सिविल कोर्ट का मामला है, कारा चालक का मामला है और भी कई अन्य मामले हैं जिसके लिए सरकार कृत संकल्प है और रिजल्ट लाने वाली है। लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या इस बार वाकई में और हकीकत में रिजल्ट आता है। वहीं गैर अनुसूचित जिले में नियुक्ति प्रक्रिया लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में शुरू हो गई, अलग अलग विषय की काउंसलिंग के डेट आ चुके हैं, रिजल्ट के आसार जल्द हो गए हैं। तो अब सरकार के लिए अब अवमानना वाली जो नोटिस थी वो उधर एक महीने का समय पूर्व में मिल चुका है जो दिसंबर में पूरा होगा। तो हमें ये लग रहा है कि गवर्नमेंट के पास अब काम करने का बहुत मौका है। पंचायत चुनाव के पहले अगर सरकार चाहे, हेमंत जी चाहे, तो बहुत सारी वैकेंसी की घोषणा करें और बहुत सारे निर्णय लें। अब सिर्फ सोशल मीडिया और प्रेस में बयान देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सीधे तौर पर वैकेंसी लाने से काम चलेगा। कई रिजल्ट अभी भी फंसा हुआ है जिसमें जेपीएससी और जेएसएससी दोनों के कई पूर्व के परीक्षाएं हुई हैं, जो रिजल्ट रुकी हुई है उस रिजल्ट को भी लाने की आवश्यकता महसूस होती है और ये जरूरी भी है। सही मायने में देखिए तो स्टूडेंट झारखंड में बहुत ही नाराज है। इसका कारण साफ तौर पर दिखता है कि पेशेंस अब जवाब दे रहा है, लोग तैयारी कर रहे हैं बट उनको सामने कोई मंजिल नजर नहीं आ रही है। वो तैयारी कर रहे हैं, देखिएगा प्रतिदिन सुबह उठ करके प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन किस मंजिल के लिए कर रहे हैं, कहां जाना है ये पता नहीं चल रहा है। यही कारण है कि जब पहली वैकेंसी सरकार के कार्यकाल में ये जो पहली वैकेंसी जेपीएससी की आई तो 5 लाख से ज्यादा लोग फॉर्म भर दिए, 2,40,000 लोग एग्जाम में अपियर हुए और उसके बाद अभी इसका रिजल्ट का इंतजार चल रहा है जो कुछ दिनों के अंदर सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आप अगर घर में तैयारी कर रहे हैं तो मेंस लिखने के लिए क्वेश्चन पेपर को प्रतिदिन लिखने की प्रैक्टिस करना है, ये जरूरी चीज होती है और अगर आप इसको करेंगे तो आप लाभान्वित होंगे और आप रिजल्ट की आशा में मत रहिए, ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं करना, रिजल्ट तो आएगा ही। और आपके कटअप को लेकर के भी बहुत से स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि हमारा 110 क्वेश्चन सही है, 108, 105। देखिए अगर हमने पहले भी बताया, आज फिर से बता रहे हैं, अगर आप 115 से 120 क्वेश्चन के बीच में 120 प्लस जो लोग कर चुके हैं पहले ही, तो वो बेकार मतलब का टेंशन ले रहे, उनको तैयारी में लगना चाहिए। पहला 120 क्वेश्चन से ऊपर जिसने भी कर दिया, 115 तक में जो लोग हैं उनको भी तैयारी करना चाहिए, 115 से जो लोग नीचे हैं वो थोड़ा सा बॉर्डर है बट उनको तैयारी में लगे रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जिस दिन हमारा रिजल्ट में नाम आएगा उसी दिन करेंगे, भले आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कीजिए, घर में तो तैयारी कर सकते हैं। आप अलग अलग आज बहुत से सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म है, हमारा भी एक टेलीग्राम चैनल है विनय आईएएस एकेडमी के नाम से, उसमें भी जुड़ करके कर सकते हैं। अधिकांश प्रश्न का उत्तर हम यूट्यूब पर दे देते हैं आपको और जिनका विशेष प्रश्न होगा वो हमें कॉल कर सकते हैं 9431156794। याद रखिएगा जिस प्रश्न का उत्तर यूट्यूब में दे दिया जाता है उसके लिए फिर कॉल में बात नहीं की जाती, क्योंकि हजारों की संख्या में कॉल आते हैं और मैसेज आते हैं। आप थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे और इसे अन्यथा नहीं लेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।